नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मुंबई से सटे भाईंदर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो खबर काफी चौंकाने वाली है, जहां एक व्यापारी के साथ फिल्मी स्टाइल में लूट होते होते टली। व्यापारी ने थोड़ी अपनी होशियारी का प्रदर्शन किया और खुद को उस घटना से बचा लिया। दरअसल मामला है भाईंदर के नयानगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र का, जहां पर नयानगर के एक ज्वेलर्स व्यापारी को कुछ लोगों ने उससे पहचान बढ़ाई। पहचान बढ़ाने के बाद उसको ऐसा बताया कि हमारा इतना गोल्ड किसी जगह पे पड़ा है, आप उसको खरीद लो, और उस तरह से उसको अपनी बातों में फंसाया। जब व्यापारी को उसकी कीमत लगभग, ये जो मामला है, 450 ग्राम से अधिक सोना, 20 लाख की कीमत के सोने का मामला था, तो व्यापारी ने उस सौदे को करने के लिए हामी भरी। व्यापारी 20 लाख रुपए लेकर उन लुटेरों द्वारा बताए गए क्षेत्र में पहुंचा। वहां जाने के बाद उन लुटेरों ने एक उसको यहां से वहां, वहां से वहां इस तरह घुमाया, तब जाकर कहीं ना कहीं व्यापारी को कुछ संदेह हुआ कि कुछ तो गलत होने वाला है। और उस समय उस व्यापारी ने अपनी होशियारी का परिचय देते हुए उन लुटेरों से अपने आप को बचाया। इस पूरी घटना की जानकारी खुद व्यापारी ने मीडिया को दी। पुलिस स्टेशन में उसने नयानगर पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करवाई, जिसके बाद में पूरी जानकारी उसने मीडिया को दी। उसने क्या कुछ कहा वो आप आगे सुनेंगे, लेकिन इस मामले में एक सवाल जरूर पेश आता है। वो सवाल यह है कि हर किसी के इस तरह से कहने पर 20 लाख जितनी बड़ी रकम व्यापारी एक साथ ले जाने के लिए तैयार हुआ, यह कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। इतना बड़ा सौदा अगर हो रहा है जहां इतनी बड़ी रकम है, तो रकम कैश में लेके जाना आज के समय में ठीक नहीं है। तो व्यापारी ने क्यों इस तरह से खुद की जान को जोखिम में डालने के लिए ऐसा कदम उठाया? खैर, इसके पीछे का क्या कारण है नहीं है तो मालूम पड़ ही जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि एक व्यापारी अपने साथ में होती लूट से बचा है। आजकल लुटेरे कई अलग अलग तरह से, क्रिमिनल्स जो है, अलग अलग पद्धति से लोगों को लूटने के तरीके, नए नए तरीके निकालते हैं। वैसा ही एक तरीका यह है। सुनिए आगे क्या कुछ कहना है व्यापारी ज्वेलर्स का। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल लाल लक्ष्मी लाल जी प्रजापति है। और ये जो घटना हुई है, क्या घटना है, जरा पूरी जानकारी। ये घटना, एक मेरा पहचान का कस्टमर था, वो जो मुझे बैंक में मिला था 2 महीने पहले, तो उसने मुझे बोला कि एक 460 ग्राम गोल्ड है अपना बोरीवली में, तो आपको बेचना है तो आप लोगे क्या? मैंने बोला पहचान वाला के लेता हूँ, बाकी मैं हर किसी का लेता नहीं हूँ। उसने बोला हमारा ही गोल्ड है, कोई टेंशन नहीं है। उसमें एक बैंक वाला का भी मुझे कॉल आया था बीच में कि आप इनका गोल्ड देख लो जो भी रहेगा। तो मैं, वो मेरा पहचान के कस्टमर था, इसके लिए मैं उसके थ्रू उसके ऊपर मैंने विश्वास कर लिया। तो मुझे जाना था बोरीवली, लोकेशन मेरा बोरीवली इन्होंने तय किया था। तो मैंने पूछा भी था गोल्ड कहाँ पे पड़ा है, बैंक में पड़ा है या फिर प्राइवेट में किधर पड़ा है। तो मैंने बोला प्राइवेट प्राइवेट है, बताया नहीं कि गोल्ड किधर पड़ा है। तो मैं एक परसों 2:30 बजे अपना गोल्डनेस पुलिस चौकी गया, उसको मिला, तो उसका नाम अमोल मात्रे है, जो मेरा पहचान वाला था। तो उसने बोला कि सामने वाला गोल्ड लेके मिरोड आ रहा है, अपने को बोरीवली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने बोला गोल्ड आपका ही रहेगा तो मैं खरीदूंगा, बाकी अदरवाइज मैं ऐसा काम करता नहीं हूँ। बोला कि मैं, आप मेरा इतना व्यवहार हुआ एक बार तो आप आइए प्रॉपर, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने बोला कि आप उनको बुला लो शांति सागर होटल के यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे, तो उधर अपन देख लेंगे। तो उन्होंने रिसीव करने के लिए वो उतरे आगे से, तब तक मेरा पास जो पैसा था 20 लाख रुपए लेके आए, मैंने आगे रख दिया पैसा गाड़ी के आगे। तो जैसे वो आगे पीछे बैठा तो बोला कि जो गोल्ड लेके आ रहा है वो बोरीवली से आ रहा है, वो पीछे साइड उतरेगा, आपको गाड़ी वो साइड लेनी पड़ेगी। तो मैंने गाड़ी वो साइड लिया, तो उसने पीछे वाले ने बोला बाजी मार्केट होके थोड़ा आगे ले लो। तो बाजी मार्केट के होके आगे रेलवे स्टेशन आ गया, उसके बाद बोला कि आप थोड़ा गाड़ी लेफ्ट में दबा दो, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत जाम है।
लेफ्ट करते करते मेरे को जोगर्स पार के यहाँ तक लेके चले गए। उसके बाद तुरंत एक सामने से एक रेड कलर की गाड़ी आती है, उसमें से एक बंदा बिगैर पहचान का, ना तो मैं तो उसको जानता ही नहीं, वो आके डायरेक्ट मेरी गाड़ी में बैठ जाता है, क्योंकि मेरा गाड़ी का मुझे गलती से पीछे से गेट ओपन था बटन, पीछे आके बैठ जाता है। और तुरंत जो शांति सागर होटल से बैठा उसने मुझे तुरंत बोला कि पैसा किधर है, पैसा किधर है। मैंने बोला, अमोल को बोला कि मुझे तुरंत पता चल गया कि मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। मैंने अमोल को बोला कि अपने को जाना मोरू नहीं था, तू मुझे इधर लेके आ गया, मेरा दुकान आरकेश में है, पैसा तो दुकान पे रह गया, चलो 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 दुकान पे चलो। ऐसे करके मैंने तुरंत एक दो सेकंड में गाड़ी यूटर्न मार के मुंह उधर कर लिया मिरर स्टेशन की तरफ। जैसे मैंने गाड़ी भगाया तो पीछे वाले ने मेरे को कॉलर पकड़ा था, खींचा, इधर गाड़ी रोक। मैंने गाड़ी रोका, दोनों उतरे और दोनों ने आगे वाला गेट ओपन किया। आगे वाला गेट ओपन किया तो उन्होंने बोला पैसा तो इधर ही पड़ा है। तो चारों गेट ओपन थे और मैंने गाड़ी भगा के सीधा मैं नया नगर लेके आया पुलिस स्टेशन में। नया नगर पुलिस स्टेशन लेके आया तो अमोल मात्रे मेरे साथ में था, वो पुलिस स्टेशन के अंदर आने के लिए रेडी भी नहीं था। उसके बाद मैं 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पुलिस स्टेशन में था। तो हाँ, बुला रहे, आ रहे, जा रहे, सामने वाले के 20-25 लोग आए। उसके बाद कल मेरा FIR लिया है, घटना परसों की है, कल मेरा FIR लिया है और अभी तक पता नहीं इनको किसी को अरेस्ट किया या नहीं किया। अगर मेरी जान जाती तो ये अरेस्ट करते, या फिर पैसा जाता तो अरेस्ट करते। लेकिन एक बात बताइए, जैसा कि आपने कहा कि आपने जो व्यवहार की बात की थी वो सिर्फ अमोल मात्रे ने खुद बोला कि ये गोल्ड मेरा है केवल। तो बाद में मुझे अमोल बोला कि मेरा गलती हो गया, गोल्ड मेरा नहीं था, मैंने ऐसा बोला, फिर बाद में वो मुझे सामने से बोला ऐसा। इसका मतलब ये होता है कि अमोल मात्रे और जो लोग थे उनकी मिलीभगत है। अभी तो पुलिस क्या पता इनको पकड़ा नहीं पकड़ा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चलेगा, अभी तक किसी को पकड़ा नहीं। मैं सुबह कल भी इधर था, आज भी सुबह से मैं इधर ही हूँ। अमोल मात्रे का FIR में नाम है क्या? अमोल मात्रे ने FIR में नाम डाला है, FIR में दो लोगों का नाम डाला, लेकिन दो लोग गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका नाम डाला नहीं अभी तक। अमोल को पता था, लेकिन अमोल ने सामने वाले को बोला रहेगा नहीं बोला मुझे पता नहीं है, अमोल को पता था। पुलिस ने अभी क्या क्या, पुलिस का क्या क्या? पुलिस ने कल FIR लिया है और अभी बोला कि कार्रवाई चालू है, देखेंगे। पुलिस ने स्पॉट पे तो जाके पूरा चेक किया, कल रात को पूरा जाके चेक किया था, लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं है। अगर किसी को मारने के बाद पकड़ते वो तो उसी दिन उनको पकड़ना चाहिए था। अधिकारी से बात हुई, उनका क्या कहना है, आपकी बात हुई क्या किसी से? बोला कि अभी किसी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ये केस जाएगा तो आगे की कार्रवाई होगी। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।